हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सैशु किचन। आज की मेरी रेसिपी है मिल्क बर्फी। ये रेसिपी मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध से बनाई है। तो जब कभी भी आपका मिठाई खाने का मन हो और बिना किसी झंझट के कम सामान में आपको कोई मिठाई बनानी हो तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन। पैन अगर आप नॉनस्टिक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें दूध चिपकेगा नहीं। यहाँ मैंने फुल फैट दूध लिया है 1 लीटर। तो चलिए सारा दूध ट्रांसफर हो गया है। अब इसे मैं तब तक गर्म करूँगी जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, और उबाल आने के बाद इसे चलाते रहना है। इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स कि नीचे चिपके ना, आप अच्छे से चलाते रहें। धीरे 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 इसका अमाउंट जो है कम होता रहेगा। ये देखिए इसका ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। इस फेज में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से सैफ्रन स्ट्रैंड्स, थोड़ा सा इसमें कलर बढ़िया लाने के लिए। येलोइश कलर आ जाएगा इससे मेरा। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना भी बहुत बढ़िया बनेगी आपकी मिठाई। इसको मैंने डाल के अच्छे से चलाऊंगी और इसे चिपकने नहीं देना है। और जो साइड साइड में आप मलाई देख रहे हैं चिपकी होगी पैन में, वो भी इसमें निकाल निकाल के आपको दूध में ही मिक्स करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसे उबलने देते हैं। तो ये देखिए ये 1/4 हो गया है, थोड़ा सा और उबा देंगे। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। साइड साइड से जो क्रीम मलाई लगी हुई है वो मैं निकाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इस स्टेज में, इस फेज पे ही फ्रेंड आप शुगर इसमें मिक्स करें ताकि आपकी मिठाई बिल्कुल दानेदार बढ़िया एकदम हलवाई टाइप बनेगी। तो मैं इसे डाल रही हूँ चीनी 1/4 कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स तो आप 1/4 कप से ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहें तो शुगर फ्री भी बना सकते हैं क्योंकि ये मिठाई बिना चीनी के भी बहुत बढ़िया लगती है। इस फेज पे फ्रेंड्स आप ध्यान रखें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें क्योंकि ये टाइम पे मलाई सबसे ज़्यादा चिपकती है और चिपकने बिल्कुल भी नहीं देना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल हो गया है। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और 4-5 मिनट ऐसे चलाते रहूंगी ताकि ये नीचे चिपके ना और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए प्लेट में निकालने लायक। इसे आप कंटिन्यूसली चलाते रहें फ्रेंड 4-5 मिनट। ये देखिए मैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद से प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ। प्लेट को मैं ऑलरेडी घी से ग्रीस कर चुकी हूँ ताकि ये निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, कटोरे के पीछे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इस मिठाई को थोड़ा सा प्रेस करते हुए प्लेन कर लूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद हम कट कर लेंगे, जैसे भी शेप में आप चाहें आप वैसे कट कर लें। ये देखिए कट मैंने कर लिया है, मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा अभी गर्म है, ये देखो ये बहुत इजीली निकल गया क्योंकि प्लेट जो है हमने ग्रीस कर ली थी। कितनी दानेदार बढ़िया मिठाई बनी है मिल्क की। ये फ्रेंड्स आप ताज़ा बनाइए, खाइए, फिर बनाइए, खाइए, ये बहुत बढ़िया लगती है। फ्रेंड्स फैमिली सबको खिलाइए। मेरे घर में तो ये एक दिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलती है क्योंकि इसका टेस्ट होता ही इतना बढ़िया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।